प्रमोद प्रेमी छाती दाब रहे हैं ना सोनिया के, तो आप भी दाबिएगा क्या? ये खेसारी भैया के देखिए, इन लोग के देखिए, स्टेडियम पर चुमा उमा ले लेते हैं लोग। अच्छा, अभी अभी एक वीडियो जो है प्रमोद प्रेमी यादव जी का स्टेज शो हम देखे हैं, आप भी स्टेज शो करने जाते हैं तो आप भी नचनिया का छाती होती दबाते हैं क्या? ना ना, छाती होती हम नहीं दबाते हैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन जो प्रमोद भैया है कि वो ये सब नहीं करना चाहिए, दबाना ही चाह तो भाई अब पर्दे के पीछे दाब देना चाहिए यार, लेकिन ये सब नहीं दबना चाहिए। मानिए इतना बड़ा स्टार है आपका, आपकी आप ही लोग को देख कर हम लोग सीखते हैं कुछ ना कुछ की। चलिए भाई, आप लोग गुरु समान है और सीनियर है, तो आप लोग के देख कर हम लोग, अब जब आप लोग दबना चालू कर देंगे तो हम लोग तो चाहेंगे कि कपड़ों को खोल दीजिए, ऐसा ही डांस कर दीजिए। तुम्हारे प्रमोद प्रेमी छाती दाब रहे हैं ना सोनिया के, तो आप भी दाबिएगा क्या? ना ना, लेकिन हम नहीं दाबेंगे भाई, वो दाब रहे हैं तो दाब, लेकिन उनसे मतलब सीख ऐसे मतलब मिल रहा है कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग जब उतना हद पर चले जाइए तो हम लोग के लिए क्या बचे, कुछ छोड़ के जाइए ताकि हम लोग भी अपना, अगर मार्केट डाउन हो तो हम लोग भी वैसे करके आगे बढ़ जाए। तो मतलब क्या मार्केट प्रमोद प्रेमी यादव जी का डाउन हो रहा है, तब आगे बढ़ने के लिए ये सब कर रहे हैं? ना, हम नहीं कहेंगे कि डाउन, मतलब देख ही रहे हैं, अगर डाउन नहीं रहता तो फिर आप काहे ऐसे हरकत कर रहे हैं, जब आपका इतना नाम है, सारी कुछ पहचान है। अभी खेसारी भैया खाली विवाद थोड़े कराइएगा, आप मतलब विवाद में थोड़े रहना चाह रहे हैं कि प्रमोद प्रेमी का एक अलग छाप है, और खेसारी भाई का वो तनका गाना अगर इधर उधर टुक नहीं टुक टुक आए, बस विवाद कौन खड़े कर देंगे। आपके बारे में तो हम जानबे करते हैं कि आप कभी भी विवाद में नहीं पड़ते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि देखिए हम आज तक ले कितना भी मोतिहारी जिला के और भी मेरे भाई लोग हैं, देखिएगा सब किसी को मतलब ये है कि इधर इतना धनजाय का भी देख लीजिए, मिठू भाई भी नहीं रहते हैं विवाद में, अवधेश भाई भी नहीं रहते हैं, कुछ कलाकार हैं मोतिहारी जिला में कि एनी टाइम इधर से उधर मतलब करते रहते हैं विवाद में, तो हम मेरा भी आज तक कहीं नहीं सुने होंगे कि मैं इस विवाद में हूँ। अपने विवाद में कितना टेंशन भी आता है, कितना भी कुछ दिक्कत भी आता है, तो आप पब्लिक के सामने आकर नहीं कहते हैं कि मेरा ये दिक्कत है, चाहे हम रोते नहीं हैं गाते नहीं हैं, जो अपने मतलब अपना ही पास रखते हैं, पब्लिक के कुछ नहीं बोलते हैं कि यह है वो है। चलिए, शादी वादी हो गया है आपका? शादी तो शायद आपको भी पता होगा कि 2022 में शादी हुआ था। अच्छा, हाँ शादी हो गया है। तो आप जब वीडियो शूट करते हैं और वीडियो में नचनिया के साथ डांस वांस करते हैं, तो आपका जो पत्नी है वो गुस्सा वुस्सा नहीं होती है? देखिए पत्नी के सारी पता है कि मेरे पति क्या क्या करते हैं, और रही बात तो उनको शादी से पहले भी उनको ऐसा नहीं है कि मतलब उनको बताए हैं कि ऐसे मेरा काम है, वैसे नाराज नहीं रहती है वो, बहुत ही एक विश्वास है कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, तो वो अगला का है ऐसे बोलेगा, लेकिन ये पहली बार है मतलब मेरे पत्नी जैसा हर इंसान को पत्नी मिले, तो इतने उम्र में जैसे जैसे मेरा वीडियो भी आता है तो देखती होगी, ऐसे बात नहीं है मेरे सामने नहीं देखती है तो ये बात नहीं है कि वो भी देखती होगी, लेकिन आज तक कोई कमेंट कोई सीख वगैरह नहीं है। अच्छा, अभी आपका भी हम एक ठो वीडियो देखे हैं फेसबुक पर, वो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आप जो है नचनिया के साथ में मस्ती कर रहे हैं, पता नहीं उस वीडियो का सच्चाई क्या है, लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं कि अलवेला जी उसमें बात कुछ और बोल रहे हैं, उनका नजरिया कुछ अलग है क्या? वीडियो देखे कथी शूटिंग का वीडियो होगा कि शूटिंग के टाइम का वीडियो है, मॉडल रेडी हो रही है बैठ करके बगल में, और भी मॉडल के साथ आप कुछ मस्ती कर रहे हैं, जिसमें आप नचनिया के साथ बात कर रहे हैं, आपका नजर कहीं और है, बात कुछ और कर रहे हैं, क्या सच्चाई? देखिए सच्चाई की बात नहीं है, होली होली का शायद शूटिंग पर मस्ती हो रहा होगा, ऐसे बात फुटेज कटाता है तो शायद डाले होंगे, कोई भी डाले, मतलब ऐसा बात नहीं है कि हम उसमें गलती कर रहे हैं, हरकत नहीं है, ऐसा बात नहीं, मनोरंजन हर इंसान में होता है, बसरते वीडियो बनाने वाले को देखना चाहिए कि भाई कैसे वीडियो बन रहा है, ताकि प्रमोद प्रेमी के देख देख के अभी वही सही कर रहे हैं ताकि ना ना ऐसा कोई बात नहीं, प्रमोद भाई वो अपना दाब दूब कर रहे हैं, दाबते रहिए है। उनका मतलब हम उनके बारे में नहीं विशेष बताऊंगा, अपने बारे में सोचूंगा, वो तो ठीक है, लेकिन प्रमोद जी जो कर रहे हैं ये कहाँ तक सही है? ना ये सही नहीं है, उनको दाबना चाहिए तो अलग जाकर स्टेडियम के पीछे दाब देना चाहिए, लेकिन ये पब्लिक के नजर में दाब रहे गलत बात है। देखिए प्रमोद प्रेमी जी बहुत बड़ी खुलासा कर रहे हैं, अलवेला जी का कहना है कि आपको अगर उतना ही शौक है दाबने का तो राउटी के पीछे जाके दाबिए, जो करना है कीजिए, पर्दे के पीछे कीजिए, पर्दे के आगे मत कीजिए, ताकि और भी आपका भी फैमिली लोग देखता होगा। हाँ देखिए हर इंसान प्यार मोहब्बत बनाया गया है, हर इंसान को करना चाहिए, और है तो है भाई, लेकिन कुछ पर्दे बनाया गया है तो उस पर्दे में रहना चाहिए, अब एक पर्दे के पीछे सामने नहीं खुलेआम कर देना चाहिए कि हाँ, ताकि 10 गो लोग देखे आपसे जूनियर कलाकार है, जूनियर आपके छोटे भाई है, उसे उसको गलत मतलब सुझाव मिले, आप सही कीजिएगा तो वो भी थोड़ा कहेगा कि चलिए मेरे आदरणीय पूजनीय सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तो हम भी अगर हम भी खराब कर रहे हैं तो 10 गो लोग बोले कि देखो आगे क्या बोल किया है, तुम तो सुधर जाओ,
अब जब आप ही लोग ऐसे कर दीजिएगा, खेसारी भैया के देखिए, इन लोग के देखिए, स्टेडियम पर चुमा उमा ले लेते हैं।